नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से पैदा हुए विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों पर, उसके लिए की जा रही जांच पर, उसके टेस्ट की तादाद पर लगातार विवाद हो रहा है। और दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों को छिपाने का आरोप वहां की सरकार पर पहले ही लग चुका है। अब कोरोना के आंकड़ों की सियासत की बारी यूपी की आ गई है। इस बार कोरोना पर राजनीतिक जंग का केंद्र बना है आगरा, और ट्विटर पर आरोप और प्रत्यारोप में नोटिस का सिलसिला चल पड़ा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, और आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह के बीच ये ट्विटर वॉर चल रहा है। सवाल है कि आगरा में कोरोना के आंकड़े और उनसे हुई मौतों का सच क्या है, और इसी सवाल पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता ओपी मिश्रा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल हफीज गांधी और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित, आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आज की हमारी चर्चा में, राजनीति में बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं, अपने मेहमानों के पास जाएं, तमाम सवालों के जवाब ढूंढें, जरा मामला आपको समझा लेते हैं। मामला शुरू हुआ सोमवार को किए गए प्रियंका गांधी वाड्रा के एक ट्वीट से। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आगरा में मृत्यु दर ज्यादा है और कुछ ही घंटों में 28 लोगों की जान चली गई है। देखिए, यहां के 79 मरीजों में से 28 की अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में मौत होना बड़ी लापरवाही है, उन्होंने बताया और कहा कि आगरा में कोरोना से मृत्यु दर डराने वाली है। यहां हर 15 में से एक कोरोना पीड़ित की जो है वो मौत हो रही है। और उसके बाद प्रभु एन सिंह डीएम आगरा ने कहा कि हवाला दिया है वो गलत है, इस मीडिया रिपोर्ट में अब तक हुई मौतों का आंकड़ा है। 109 दिनों में आगरा में अब तक कुल 136 केस दर्ज हैं, 79 लोगों की मृत्यु हुई है। 48 घंटे में हुई 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु की खबर गलत है। ये प्रभु एन सिंह, जो कि आगरा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। अब प्रियंका गांधी ने फिर ट्वीट किया, उनका कि मृत्यु दिल्ली व मुंबई से भी ज़्यादा है मृत्यु दर, यहाँ पर कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। और इसके लिए उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट को कोट किया, उनका कि जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से कुल 35%। ये देखिए आप, झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने का जिम्मेदार कौन है, आगरा मॉडल के लिए पूछा उन्होंने। और मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को उसका स्पष्टीकरण दें, कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या में की जा रही जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने अपनी बात में मुख्यमंत्री का एक पत्र भी रखा, वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे अपनी चर्चा के दौरान। हाँ, आपको हम मुख्यमंत्री का पत्र दिखाते हैं, वो बहुत आवश्यक है इस वक्त देखना आपके लिए। मुख्यमंत्री के इसी पत्र को आधार बनाया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इसमें मुख्यमंत्री नाराज हैं अधिकारियों से कि कोरोना के सही आंकड़े फीड नहीं किए जा रहे, पोर्टल पर सही आंकड़े फीड नहीं किए जा रहे, उनको कुछ और बताया जा रहा है, वेबसाइट पर सही आंकड़े फीड नहीं किए जा रहे। और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 17 जून को सीएम के सामने मौत के आंकड़े कम करके पेश किए गए, 16 जून को कोरोना से 30 मौतें दिखाई गई जो बहुत कम थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज थे और उन्होंने कहा कि ये सही आंकड़े पेश हो। इसी को प्रियंका गांधी वाड्रा ने आधार बनाया और आगरा के डीएम को जवाब दिया। ये देखिए आप, पत्र का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अप्रसन्नता जाहिर की है, ये देखिए आप, पूरा पत्र ही हमने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। तो अब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और इसके लिए सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा जी से। मिश्रा जी, ये जब मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया कि आंकड़े गलत हैं, अधिकारियों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, उन्होंने कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक किया जाए, सही आंकड़े फीड किए जाए, मुझे गलत बताया जा रहा है, फीडिंग गलत की जा रही है, तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोप में गलती क्या थी? अच्छा, चलिए राजेश, राजेश मिश्रा जी से मैं सवाल पूछता हूँ। राजेश जी, राजेश मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी ये हाँ जी, अब आ रही है जी।
ये कहा जा रहा है आगरा के डीएम की ओर से कि जिन अखबारों की रिपोर्ट को प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोट किया है वो गलत है। आगरा के डीएम ने सीधा अटैक किया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर, आपकी राष्ट्रीय जो लीडर है उन पर। ऐसा हमने इससे पहले कभी मिश्रा जी देखा सुना नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ये देखिए, अभी आपने ही कोट किया है राजेंद्र भाई कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को डांट के कहा था कि जो सरकारी पोर्टल पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं, वो सही नहीं दिखाए जा रहे हैं, सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान था। और अखबारों में जब इसे कोट किया, माननीय प्रियंका गांधी जी ने जब लिखा है, ये जो आपने कहा कि डीएम ने पत्र लिखा है, डीएम ने ट्विटर है कि अब प्रशासनिक अधिकारियों का भी राजनीतिकरण हो रहा है इन सरकारों में। और उन्होंने, प्रियंका जी ने ट्विटर पर किया, इन्होंने भी ट्वीट किया है। हाँ। और कहीं ना कहीं से जो अधिकारी हैं इनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये सरकार का पक्ष नहीं लेते हैं बल्कि सत्ता में जो पार्टी है उसका पक्ष ले रहे हैं। देखिए, मेरा आपसे कहना है कि जो ये पत्र है, ये पत्र जो है, लोकतंत्र में विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बनके सरकार को सही काम करने के लिए प्रेरित करे। और जहाँ पे सरकार से गलती होती हो, विपक्ष उस काम को करे और जनता और सरकार को ये बतावे कि आप यहाँ पे गलत हैं। हाँ, ठीक बात है। हम इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में और उसके पहले से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर इशू पे जिस तरह बोला है, उन्होंने अब पूरे अपोजिशन को फ्रंट फुट पे आके लीड किया है। और लीड करके उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के हर इशू पे इस लॉकडाउन में, चाहे वो सहायता करने की बात हो, सेवा की बात हो, खाना देने की बात हो, या जहां कोई भी दुर्व्यवस्था हुई है, उन्होंने हर समय सरकार को बताया है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। और ये मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये डीएम ने कहा कि हमने आंकड़े सही दिए हैं। मेरा तो ये कहना है कि आपको भी याद होगा राजन भाई कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिदिन आके कोरोना अपडेट देता था टेलीविजन पे। ये सही बात है। वो बताता था कि कितने कोई पॉजिटिव है, कितने केस आए, कितने लोग गंभीर है, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग कोलैप्स कर गए। और इधर जब से ये संख्या 4.5 लाख अब पहुंच गई है, अब स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रतिदिन बताना चाहिए था। और पिछले हमें लगता है 20-25 दिन से तो टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। तो जब लोगों के सामने आंकड़े ही नहीं आएंगे, और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा और यदि किसी पत्र ने ये लिखा, किसी अखबार ने ये कहा, तो उनका ट्वीट करना लाजमी है। आप बताइए, 24 घंटे में यदि 28 केस एक साथ मौत के आगरा में हो रहे हैं तो ये कौन सा आगरा का मॉडल है? और हम कहना चाहते हैं कि यदि इस तरह की बात की गई और यदि ये सोचा गया कि हम किसी तरह प्रियंका गांधी जी की आवाज़ को रोक पाएंगे या रोक देंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार गलतफहमी में न रहे, उनका कोई प्रशासनिक अधिकारी गलतफहमी में न रहे। वो जैसा करेंगे, वो जैसा चाहेंगे, उसका जवाब उससे भी ज़्यादा मजबूती से दिया जाएगा। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं, कोई किसी की भी ये ताकत नहीं है कि वो प्रियंका गांधी जी की आवाज़ को रोक सके। ठीक बातों को ट्वीट करके। ठीक, ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन हमारे साथ था सीनियर जर्नलिस्ट रतन दीक्षित जी हैं। रतन जी, ये कभी आपने देखा है कि एक राष्ट्रीय लीडर कोई बात कहे किसी संदर्भ में या कोई बात उठाए और उस बात का जवाब देने के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति सामने ना आए, वहाँ का जिलाधिकारी ही ट्विटर पर कूद पड़े? मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कभी जिलाधिकारी इस तरह से फ्रंट पर आकर कोई राजनीतिक कंटेस्ट करता हो, एक बात। दूसरी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक के बाद एक कई अखबारों को कोट किया, एक ही अखबार को नहीं, कई अखबारों को कोट किया, और डीएम साहब सिर्फ एक अखबार की रिपोर्ट डिनाई कर रहे थे, बाद में उन्होंने कुछ और अखबारों की रिपोर्ट लगा दी। आपके हिसाब से आगरा की सच्चाई क्या है, एक बात, दूसरा डीएम का ये रवैया क्यों है वहां के? देखिए, बहुत अच्छी ये आज सवाल उठाया गया है राजनीति में। कुवाना एक वैश्विक विपदा भी है और राष्ट्रीय आपदा भी है, और इसमें इसका राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई जहाँ तक बात है कि पूरा आम जनमानस और समाचार पत्र, खासकर मीडिया के कर्मी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया, सच्चाई जानना चाहते हैं और सच्चाई को जनता के समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता
इस कोरोना संकट में कोविड-19 को लेकर वस्तु स्थिति से अवगत होना उसका कर्तव्य है, जानने का अधिकार भी है, समाचार पत्रों को भी है, आम जनता को भी है। जहाँ तक आगरा मॉडल का सवाल है, जैसे कल ही की बात हो रही है, कल ही ये विवाद पैदा हुआ सोमवार को, तो कल स्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र में 186 लगभग मौतें हुई, उत्तर प्रदेश में 43 हुई, दिल्ली में क्या कहते हैं 63 हुई, तमिलनाडु में 53 हुई, और ये जो चार राज्य थे इनमें कुल जितनी कल डेथ हुई थी वो पूरे देश के जो आंकड़े थे मृत्यु के उसके भी 78% थे। तो एक गंभीर संकट का समय है और ये जानने का अधिकार है। अब यहाँ सवाल इस बात का नहीं किस पार्टी के है, तमिलनाडु में महाराष्ट्र में तो कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, तो ये राजनीति करना ही है। लेकिन जहाँ तक आगरा मॉडल सवाल है, जिलाधिकारी है ये सही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, वो कल हम लोगों ने भी समाचार पत्र में देखा था, हमारे पास भी आया था, ये बिल्कुल सही है कि राम रोज मीटिंग कर रहे हैं उच्च स्तरीय और खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो सब साफ साफ निर्देश अधिकारियों को दिया जा रहा है। हाँ। तो कि आप लोग सही आंकड़े रखें, सही सैंपलिंग करें और कोविड के जितने सेंटर हैं, मामला यहाँ पे है कि एक तरफ राजनीति है, राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजनीति का अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम में जहाँ भी फॉल्ट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जिनको शासन के निर्देशों का पालन करना है, वो अगर जमीनी स्तर पे किसी भी सच्चाई को छिपाते हैं और समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया निकालता है, तो उस सच्चाई को छिपाने का दायित्व जो है वो हर पत्रकार को जानने को, हर आम आदमी को और नेता को जानने का अधिकार है। इसमें चाहे जिलाधिकारी हो चाहे अन्य है, उनको सच्चाई को बताना चाहिए। और यहाँ पे बात राजनीति की, राजनीतिकरण तो होना नहीं चाहिए, इसमें सबको एकजुट होना चाहिए, पक्ष को भी समझना चाहिए, सत्ता पक्ष को, कि वो जो दिशा निर्देश पालन करा है उसका जो सिस्टम है उसको ठीक से फॉलो कराए जमीनी धरातल पे, और विपक्ष को भी चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए आलोचना के लिए आलोचना न करे बल्कि सकारात्मक सुझाव भी दे। जहां तक आगरा के डीएम है, आगरा शुरू से आगरा में स्थिति भयावह बहुत खराब स्थिति है और शुरू से वहां पे वहां के सीएमओ भी हटाया गया, दूसरे सीएमओ भेजे गए, कई अफसरों की पोस्टिंग मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, उसके बाद भी वहाँ हालत भयावह हो रहा है। ऐसे में डीएम के लिए ये अपना मुंह छिपाने, फेस सेविंग के काम नहीं करना चाहिए बल्कि उनको सच्चाई जो है वो जानना चाहिए। अगर सही आंकड़े अखबार वालों को नहीं मालूम होंगे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मालूम पड़ेगा, आम जनमानस को मानेगा, तो उसमें सवाल अगर भ्रामक आंकड़े खुद डीएम मुख्यमंत्री को गुमराह करेंगे या सरकार गुमराह करेंगे तो वो तो बहुत भयावह स्थिति, कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसी जो महासंक्रामक बीमारी है उसमें ये दायित्वहीनता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सामना करना चाहिए और किसी तो, समाचार पत्र को बिना जाने या सही सकवा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीक्षित साहब कहां तक तो जो असली आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करके सुधार की बात होनी चाहिए, अगर कहीं गड़बड़ है तो अगर ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल वॉर में कूद पड़ेगी, पॉलिटिकल जवाब देने लगेगी, तो ये तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी दीक्षित साहब। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। कोविड-19 में ये राष्ट्रीय विपदा का समय है, वैश्विक आपदा है, और इसमें ये देखिए जो ये आपदा है कोविड-19 नहीं देख रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन सपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन आप पार्टी का है, कौन बीएसपी का है, अब्दुल हफीज गांधी को मैं लेकर चर्चा में आता हूं, दल जाति धर्म से संबंध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अब्दुल हफीज गांधी, और इस दिशा में सभी को सजग और जागरूक रहना चाहिए। अब्दुल हफीज गांधी, क्या क्या प्रियंका गांधी कोरोना पर राजनीति कर रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको सवाल पूछने का हक है और हर किसी को बराबर सवाल पूछने का हक है। और जहां तक आगरा के हालात हैं तो आप देखिए, जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी आगरा हमेशा से चर्चा में रहा है। आगरा के जो केसेस हैं कोरोना के वो कंट्रोल में नहीं आए हैं, और जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सवाल है, उनके स्टेटमेंट हमने तभी भी देखे थे जब मजदूर जो है पलायन कर रहे थे और एक सूट केस पे बच्चे का एक फोटो आया था जिसको उन्होंने कहा था कि मैं भी बचपन में इस तरह से जाया करता था। तो असंवेदनशील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, और सिर्फ आगरा की हम बात क्यों करें, पूरे यूपी में कम टेस्टिंग हो रही है, क्वारंटीन सेंटर्स के हमने हालात देखे कि कहीं सांप निकल रहा है, कहीं पर खाने की व्यवस्था सही नहीं है, कहीं पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो पूरे यूपी में हमने देखा कि जो राज्य सरकार है वो कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रही है, और जब से अनलॉक हुआ है मैं समझता हूं कि तब से और राज्य सरकारों ने कोरोना को गंभीर लेना जो है बंद कर दिया है। मैं समझता हूं कि जुलाई और अगस्त
कोरोना के लिए एक मैं समझता हूँ बहुत जरूरी पीरियड है, और इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं, WHO ने भी प्रेडिक्शंस दिए हैं कि जुलाई और अगस्त में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा गंभीर रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाएं। हमने यूपी के अंदर यह भी देखा कि किस तरह से पीपीई किट डॉक्टर्स को नर्सेस को नहीं दिए गए, जहां नर्सेस और डॉक्टर्स ने पूरा का पूरा अपना विरोध जताया था कि हम इस तरह के हालात में किस तरह से काम कर सकते हैं। और आगरा में जिस तरह की तस्वीर आ रही है, आप ये देखिए कि पहले भी आप देखिए कि क्वारंटीन सेंटर आगरा में बनाया गया था, वहां पर दरवाजे पर आकर जो क्वारंटीन लोग थे वो भीड़ बना लेते हैं और एक केले के लिए वहां पर लड़ाई हो रही थी, ठीक बात, कोई मदद करने के लिए और गया, यही जिलाधिकारी महोदय एक या दो केले के लिए कितनी अब्दुल हफीज एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी। तो अब्दुल हफीज क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और तमाम सवाल उनके सामने अब खड़े हो गए हैं। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी लाइव है इस वक्त, सीधा कनेक्ट है। मिश्रा जी आप थोड़ी देर से जुड़े, तब तक चर्चा बहुत आगे निकल गई है, लेकिन मैं फिर उसको रिवाइंड करके आपके पास ले गया रहा हूं। पहले सवाल से, ये आगरा के डीएम प्रियंका गांधी का जवाब देने के लिए क्यों कूद पड़े, एक बात। दूसरा ये कि जब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि अधिकारी उनको गलत आंकड़े दे रहे हैं, सही करें, उन्होंने डांट लगाई है चिट्ठी लिखकर, तो प्रियंका गांधी का सवाल कहां गलत है आगरा को लेकर? एक झूठ बोलने का जो सिलसिला चालू किया है, वो सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। और जिस तरह इस महाआपदा काल में कोरोना वॉरियर्स की उन्होंने मनोबल गिराने का काम किया है और उनका अपमान किया है, जो जिंदा सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप हमें नहीं लगता है कोई और होगा। और महाआपदा काल में झूठे आंकड़े देकर और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है गांधी ने इस वक्त, जबकि पूरा देश और महामारी विषय कौन सा झूठा आंकड़ा कौन सा झूठा आंकड़ा प्रियंका गांधी ने दिया है? एक के बाद एक उन्होंने कई अखबारों को कोट कर दिया अब तक, तो अपने ट्वीट में एक के बाद एक तड़ातड़। प्रियंका गांधी के झूठ बोलने का सिलसिला अगर मैं शुरू करूं तो उन्होंने जिस तरह उन्नाव में किसान के मरने की बात को झूठ बोला, उसके बाद अभी हम आगरा पे बात कर रहे हैं मिश्रा जी अभी हम कल से जो आगरा का विषय मामले सामने आया है उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आगरे की बात करें तो जिस उन्होंने आगरा दिया अभी पीछे हमारे सामने आया है, ये हम देखा है कि किस तरह प्रियंका गांधी का, तो आपके जो पूरा सरकारी तंत्र है आपको उसको विश्वास करना चाहिए। और हमें प्रियंका गांधी के पास क्या ऑथेंटिकेशन नहीं जानता, लेकिन अरे उन्होंने मेरी बात सुनी मिश्रा जी पहले उन्होंने एक अखबार को कोट किया, आगरा के डीएम ने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर उन्होंने दूसरे अखबार को कोट किया, फिर उन्होंने तीसरे अखबार को कोट किया, एक के बाद एक तीन अखबार उन्होंने कोट कर डाले, और बाकी के जो कोट्स हैं उनके मीडिया रिपोर्ट्स उसमें बिल्कुल वही बात है जो वो आरोप लगा रही हैं। तो इसमें वो जो बयान दे रही हैं वो बेसिकली मीडिया रिपोर्ट है जिसके बूते पर वो आरोप लगा रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो मीडिया रिपोर्ट गलत है? देखिए प्रियंका गांधी के आरोप को राजनीति आप कितनी सीरियसली ले रहे हैं, हमें उनके आरोपों को बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने चाहती है ये हम सब जानते हैं। और मैं आपको बताऊं जो हमारा जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकारी तंत्र है, इस महामारी के कारण जिस तरह लड़ रहा है, हमें उसकी भूखी प्रशंसा करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब्दुल हफीज गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री ने पत्र लिख दिया इसके लिए, मिश्रा जी बाकायदा पत्र लिखा है, मीडिया रिकॉर्ड मीडिया। अरे मिश्रा जी शायद आपको मीडिया वालों के पास जी ने खुद कहा है कि आंकड़ा छुपा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, बंद करना है। वो पत्र मैं आपको दिखा देता हूं फिर से एक बार, मिश्रा जी देख लीजिए बोल्ड लेटर्स में देखिए मुख्यमंत्री ने लिखा क्या है। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोर अप्रसन्नता व्यक्त की है, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मृत्यु से संबंधित वास्तविक आंकड़े ही पोर्टल पर फीड किए जाएं। ये देखिए पत्र आपकी स्क्रीन पर है मिश्रा जी, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में, इसमें तो छुपाने से कोई बात ही नहीं है। राजेंद्र जी मैं आपकी बात से मीडिया वालों के पास भी है सहमत हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आदेश दिया है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने जी जी बोलिए मुख्यमंत्री जी किसी आदेश में ऐसी
और अगर ऐसी बात करते हैं कि हमारे आंकड़ों को सही दिया जाए, दुरुस्त किया जाए, अगर कहीं उसमें लगता है अरे तो मेरी बात सुनिए मिश्रा जी, तो फिर अगर मिश्रा जी अब आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर नाराज हैं गलत आंकड़े के लिए, अगर प्रियंका गांधी किन्हीं दो तीन अखबारों की मीडिया रिपोर्ट के बूते पर कह रही हैं कि यहां पर ऐसा हुआ है, तो मान लेने में क्या गलती है आगरा के डीएम को कि हम ठीक कर रहे हैं? वो उल्टा जवाब देंगे और पॉलिटिकल वॉर में कूदेंगे, ये ठीक है क्या? ये सही परंपरा है राजेंद्र जी? आंकड़ों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और आंकड़े अभी आप देखेंगे दिल्ली में नगर निगम ने सरकार ने आंकड़े दिए, और देखिए ये सारे सुल्तान है और सारे घाट है, और आंकड़े वहां पे आ रहे हैं कहां पे कितनी मौतें हो रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और कहां पे कितने पेशेंट आ रहे हैं, ये बिल्कुल इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सारे एक एक करके एक एक आंकड़ों पे सरकार की पूरी नजर है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कहीं आंकड़े कोई गलत, हाँ मुख्यमंत्री ने ऐसी बात जरूर कही है, और उन्होंने और आगे से इसमें ठीक उसमें कोई आपके आश्वासन को आपके एश्योरेंस को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रही है, आप ये कह दीजिए ना कि आगरा की मीडिया झूठ बोल रही है। हाँ आगरा की मीडिया झूठ बोल रही है, नहीं उन्होंने मान लिया, उन्होंने अब्दुल हफीज भाई उन्होंने मान लिया कि मीडिया रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही है, उन्होंने भी मान लिया कि मुख्यमंत्री जी मीडिया झूठ नहीं बोल रही है, जी 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 मीडिया झूठ नहीं है, झूठ नहीं बोल रही है, मिश्रा जी ने मान लिया, उन्होंने आश्वस्त किया है, ओपी मिश्रा जी आश्वस्त कर रहे हैं कि सही आंकड़े ही रखे जाएंगे अब, ठीक ठीक ठीक, इसी मोड़ पर आपके इसी बयान के साथ और इसी मोड़ पर सरकार एक भी आंकड़ों को छुपाने का काम नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री के इस लेटर के बाद हम लोग भी आश्वस्त हैं, और आपके बयान के बाद ओपी मिश्रा जी आपके इस बयान को हम लोग रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई आंकड़े छुपाए नहीं जाएंगे, हम लोग रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल हफीज गांधी, राजेश मिश्रा, ओपी मिश्रा और रतन दीक्षित जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, आंकड़े दुरुस्त हों, आंकड़े सही सामने आए तो बहुत जरूरी है, और मौत के आंकड़े तो किसी भी हालत में न छुपाए जाने चाहिए और न उन पर किसी किस्म की कोई राजनीति होनी चाहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। असल में